अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नसीम की। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ज़ाहिर शाह साहब पाकिस्तान के और कराची से ताल्लुक रखने वाले ऐसे मुसन्नफ और हदायतकार हैं जिन्होंने हमेशा मियारी तफरी को आपके लिए तरजीह दी है और हमेशा कराची में एक ऐसा ड्रामा इंट्रोड्यूस करवाया है जो आपको मुद्दतों याद रहता है। फैमिली का ख्याल करते हैं अपने ड्रामे के अंदर, ऐसे फनकारों को लेकर के आते हैं जो पाकिस्तान के मजे हुए फनकार होते हैं। जी हाँ, अब एक नया तोहफा ईद उल फितर से कराची आर्ट्स काउंसिल में वो एक शो कर रहे हैं जिसका नाम है ईद के चटखारे। ईद के चटखारे एक ऐसा ड्रामा है इंशाल्लाह जो आपको बहुत ज्यादा महसूस करेगा और आप अपनी फैमिली के साथ एक शाम रोजाना उनके साथ जरूर गुजारिएगा। इसके अंदर पाकिस्तान के तमाम सुपरस्टार्स काम कर रहे हैं और वो फनकार जिन्हें आप देखना चाहते हैं लाइव अपने सामने, और ये बहुत अच्छा मौका है ईद उल फितर से ड्रामा ईद के चटखारे। और सबसे बड़ी बात, लाहौर से शफकत चीमा साहब आ रहे हैं इस ड्रामे में परफॉर्म करने के लिए। शफकत चीमा साहब का इमेज आपके सामने है कि वो पाकिस्तान के इकलौते ऐसे विलन हैं जिन्होंने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को अकेले ने सहारा दिया हुआ है। जी हाँ, कराची स्टेज पर आ रहे हैं पहली बार और आप उनको अनोखे रोल में देखेंगे और आप यकीन कीजिए ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि शफकत चीमा वाकई वर्सटाइल है और ये मल्टी टैलेंटेड एक्टर है और शुक्र है ये पाकिस्तानी एक्टर है। महसूस कीजिए ड्रामा ईद के चटखारे, और मेरे साथ हैं इस वक्त बला कौन चले जाओ इसके ऊपर। हाय मेरे, दिस इज अनिल बेला। और जिस तरह विकी भाई ने अभी बात की, जाहिद शाह साहब अच्छे ड्रामों में उनका बहुत किरदार है और उनका बड़ा हाथ है क्योंकि वो राइटर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं और एक्टर भी हैं। तो ड्रामा ईद के चटखारे इंशाल्लाह ताला ईद वाले दिन से स्टार्ट होगा कराची आर्ट्स काउंसिल ओपन एयर में, और आपके मनपसंद फनकार, वो फनकार जिनको आप देखना चाहते हैं, जिनको आप सुनना चाहते हैं, वो आपके दरमियान मौजूद होंगे। अपनी फैमिलीज के साथ जरूर तशरीफ लाइएगा, बहुत मजा आएगा। और हमारी तरफ से, हमारी पूरी टीम की तरफ से आपको पेश की ईद मुबारक। जी, मेरी तरफ से भी आपको ढेर भारी दुआएं कि अल्लाह पाक आपका ड्रामा ये सुपर हिट हो जाए। इंशाल्लाह सुपर हिट ही होगा क्योंकि फनकार सुपर है। ईद के चटखारे तो ये फनकारों के लिए हौसला अफजाई है कि ये आपके लिए तफरी मुहैया करते हैं, इनको देखने के लिए ज़रूर जाना ईद के चटखारे। इनके साथ हमारा ड्रामा भी शुरू हो रहा है, हमारे लिए भी दुआ करना, हम आपके लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, अहले वतन को ईद मुबारक। जी तो हमारे तमाम दोस्तों की तरफ से जाहिद शाह साहब को भी और उनकी टीम को और तमाम कराची को ईद मुबारक।